हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पर्सनल असिस्टेंट में हिंदी से पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे और साथ में इंग्लिश के क्वेश्चन भी यहां पर हम देखेंगे ठीक है तो इस वीडियो को आप पूरा देखना आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन जो है इंग्लिश में और हिंदी में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये लास्ट ईयर का ठीक है डी ट्रिपल एस बी पर्सनल असिस्टेंट का और इसका जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको जीएस और रीजनिंग मैथ कराया था उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप पीडीएफ को देख लेना और अगर यहाँ से लिंक काम ना करे तो आप वहाँ पर जाओगे टेलीग्राम पर और वहाँ पर सर्च करेंगे स्पार्कल एजुकेशन तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप पी डाउनलोड कर लेना और चैनल को ज्वाइन ज़रूर करना साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ओके तो चलिए हम अपने इस वीडियो पे बात करते हैं और देखते हैं हिंदी के किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे ठीक है तो हिंदी के क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे हिंदी में ओके तो यहाँ से स्टार्ट होता है हिंदी का सेक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है ऊपर इंग्लिश है पहले हम हिंदी को देखेंगे फिर इंग्लिश के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ इसमें द ब्लैंक है यानी यहाँ पर फिल करना है थोड़ी देर डैश गौरव एक डंडा लेकर आ पहुँचा तो इसका आंसर आ जाएगा मे यानी थोड़ी देर में गौरव एक डंडा लेकर आ पहुँचा तो ये आंसर हो जाएगा इसका यानी मे आ जाएगा यहाँ पर अगला है देशवासियों के बीच डैश का होना जरूरी है किसका एकता का होना जरूरी है बिल्कुल सही बात है तो हिंदी तो इजी होती है हिंदी में आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ठीक है हिंदी में ज़्यादा टफ इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है नेक्स्ट है देव का स्त्रीलिंग क्या होगा तो देवी हो जाएगा ये इजी क्वेश्चन है अगला है राघव ने खाना खाया तो इसमें राघव क्या है राघव है कर्ता यानी सब्जेक्ट ये है राघव यहां पर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है इसका लिंग बताना है सिफारिश कैसा वर्ड है तो ये है स्त्रीलिंग ठीक है स्त्रीलिंग है नेक्स्ट है यहां पर संधि विच्छेद करना है विरो धार्य का तो यहां पर हो जाएगा वीर प्लस ओदार्य ठीक है ये इसका आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं तो हिंदी में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ईजी होते हैं हिंदी के स्वयं अपनी हत्या करना इसमें बताना है ए, 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 एक वाक्य मतलब एक शब्द यानी वर्ड वर, वन वर्ड बताना है तो अपनी हत्या करने के लिए बोलते हैं आत्महत्या करना अगला क्वेश्चन है इसमें बताना है आपको सिनोनिम यानी समानार्थी शोणित का आंसर हो जाएगा यहाँ पर रुधिर ठीक है तो ये इसका आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं शोणित का हो गया यहाँ पर रुधिर नेक्स्ट है ईश्वरवादी इसका विलोम यानी एंटोनिम पूछा है तो अनिश्वरवादी अगला क्वेश्चन है निम्न उचित शब्द का चयन कीजिए जिसमें सहन शक्ति हो उसको बोलते सहिष्णु वन वर्ड की तरह ये क्वेश्चन है ठीक है सहिष्णु बोलते हैं और पापी का स्त्रीलिंग यहाँ पर हो जाएगा पापिन तो पापी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा पापिन तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह के क्वेश्चन है ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ईजी है अगला है बेईमान का उपसर्ग ये पूछा है तो ये हो जाएगा बे ठीक है बे हो जाएगा बे बेईमान का बे उपसर्ग जो स्टार्टिंग में यूज करते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं और जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं प्रत्यय जैसे मान यहां पर प्रत्यय है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी तो शुद्ध बताना है मुकोट ये इसका आंसर है अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है प्रतिकूल का उपसर्ग तो प्रति हो जाएगा यहां पर आंसर उपसर्ग मतलब जो पहले लगा होता है अगला है एक ही माता पिता से जन्म लेने वाला उसको बोलते हैं सहोदर ठीक है तो सहोदर बोला जाता है उसको अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दशवोदक विशेषण का उदाहरण है तो ये हो जाएगा स्वस्थ नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुनरुक्त शब्द युग्म युग, युग्म है तो ये हो जाएगा चटक मटक अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म युग्मत्व तत्सम का युग्म नहीं है तो ये हो जाएगा स्कूल विद्यालय स्कूल और विद्यालय ये तत् तत्व और तत्सम का शब्द नहीं है नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम शब्द सक्रिय का हो जाएगा निष्क्रिय कोई चीज एक्टिव है तो डिएक्टिव हो जाएगा ठीक है और आगे अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है हमारे पास गर्मी डैश लोगों का बुरा हाल था तो गर्मी के मारे लोगों का बुरा हाल था तो इजीली कर सकते हो नॉर्मली जो हिंदी में तो हम ज़्यादातर चीज़ें हम यूज़ ही करते हैं तो इजीली समझ में हमें आ आ रही है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती एक महीने अच्छे से पढ़ ली सॉरी एक महीने अच्छे से पढ़ ली तो आप हंड्रेड परसेंट स्कोर कर सकते हो हिंदी में ऐसा सब्जेक्ट है हिंदी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पुरुष का उदाहरण नहीं है तुम कब दिल्ली जाओगे प्रथम पुरुष का उदाहरण ये नहीं है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नेक्स्ट है, है यहां पर चार विकल्प दिए गए हैं उसमें से चयन कीजिए मुहावरे के सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद ये क्वेश्चन यहाँ पर है ईडियम्स के रूप में बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद यानी मूर्ख व्यक्ति गुणों की परख नहीं कर सकते ये इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट है अब मोहन खेलने गया तो पक्ष ज्ञात वाक्य का पक्ष ज्ञात करना है यह है आरम्भद्वत पक्ष ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूं यहां पर विराम चिन्ह बताना है सुनो बात यहां पर क्या बताना किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा ज्ञात कीजिए तो यहां पर आ जाएगा ये वाला ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है? न, नहीं है तो सरल वाक्य नहीं है परीक्षा समाप्त होगी तभी मैं बात कर पाऊंगा तो यहाँ पर ये क्या हो गया ज्वाइंट हो गया यानी सरल वाक्य नहीं है अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है आ, मैं ड्राइवर से अपने बेटे को कार चलाना सिखा सीख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या गलती है सीख रहा हूँ नहीं सिखा रहा हूँ ये आएगा अपने मन के अनुकूल कार्य करवाना इसका आंसर हमें बताना है उंगलियों पर नचाना इसका idiom हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है उसे कल जाना है उसे कल जाना है ये निश्चयार्थक है यानी उसे जाना ही है कल नेक्स्ट है लड़के के लिए आ, उद्यत होना तो इसका तलवार खींचना सॉरी लड़ने के लिए उद्यत होना मतलब तलवार खींचना ये एडियम्स हो जाएगा तलवार खींचना इसका मतलब होता है लड़ने के लिए उद्यत होना अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है मोहन बहुत खाना खाता है तो मोहन बहुत खाना खाता है इसमें जो मोहन है वो क्या है अन्य यहाँ पर रेखांकित भाग को किस प्रकार पुरुष है ज्ञात कीजिए तो अन्य पुरुष के अंतर्गत ही आता है ठीक है जो थर्ड अदर जो थर्ड पर्सन जो होते हैं जैसे इंग्लिश में थर्ड पर्सन यानी अन्य पर्सन ठीक है चलिए आगे देखते हैं तो उसमें क्या क्या आता है मतलब किसी का नाम हो ही सी इट नाम ये क्या होते हैं अन्य पर्सन होते हैं मैं हिंदी इंग्लिश में भी इंग्लिश और हिंदी में सेम है लगभग ठीक है उसमें आई और वी होता है फर्स्ट और फर्स्ट पर्सन और यू होता है सेकेंड पर्सन यहाँ पर मैं और तुम फर्स्ट और सेकेंड पर्सन हो जाएंगे बाकी जो चीज़ें हैं जैसे किसी का नाम हो या वह है, है ना इस तरीके के जो वर्ड है अन्य पर्सन में आ जाएंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है न ने तो तुम्हें पढ़ाई की चिंता है और न समय की ऐसे कैसे जीवन चलेगा ये इसमें क्या बताना है दिए गए विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा ज्ञात कीजिए तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आएगा ठीक है ये वाला आंसर आएगा इसका कोमा का नेक्स्ट है मीठी चुटकी लेना इसका मतलब हो जाएगा हल्का व्यंग करना अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है झूठ बोलने सॉरी बोलते पकड़े जाने पर उस पर डैश घड़ी पानी पड़ गया घड़ी पानी पड़ गया झूठ बोलते पकड़े जाने पर उस पर घड़ी पानी पड़ गया ये इसका आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट है ट्रेन जा चुकी थी तो ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल पूर्ण भूतकाल इसका आंसर हो जाएगा ये कौन सा टेंस है पूर्ण भूतकाल का अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है Uh, सीना छन्नी होना तो ये तो कई बार बोलते हैं जनरल आम भाषा में सीना छन्नी होना किसी बात का बुरा लग जाना ठीक है कोई बात अगर बुरी लग जाए तो उसके सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं इस ई को और आगे यहाँ पर हमारा पैसेज दिया हुआ है तो इस पैसेज को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद यहाँ पर इजीली ईजीली वीडियो पोस्ट करके इसको पढ़ सकते हो और यहाँ पर आंसर लगा सकते हो पहले का हो जाएगा इसका पुस्तकालय और आगे देखते हैं इसका हो जाएगा ये गांव में ठीक है सरकार को पुस्तकालय कहाँ बनाने चाहिए यहाँ पर इस पैसेज के अकॉर्डिंग गांव में पुस्तकालयों की शरण कब लेनी पड़ती है दुर्लभ पुस्तकें पाने के लिए ठीक है आगे है इसका जाएगा हो जाएगा छात्रों के ज्ञान की इच्छा कब पूरी होगी ढेर सारी किताबें पढ़कर और आगे हैं पुस्तकालय में पुस्तकें कैसे रखी जाती है वर्गी वर्गीकृत कर तो ये था तो यहाँ तक हिंदी थी हमारी चालीस क्वेश्चन हमने देखे हिंदी के अब मैं आपको इंग्लिश दिखाता हूँ ठीक है हिंदी के हमने चालीस क्वेश्चन देखे और अब हम दिखाते हैं आपको इंग्लिश के क्वेश्चन तो भैया यहाँ से हमारी हिंदी जो है स्टार्ट हुई थी अब मैं यहाँ पर ऊपर से ले चल रहा हूँ तो इस तरीके से ये नीचे पैसेज है तो पैसेज आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर खाली आपको दिखा रहा हूँ इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके बताऊंगा, तो इसमें आप पैसेज को पढ़ के आंसर दे सकते हो चेक कर सकते हो अपने आप को देख सकते हो यहाँ पर पैसेज आपका दिया हुआ है पांच क्वेश्चन थे शायद ये पांच थे यहाँ यहाँ पर ये एरर वगैरह और इडियम्स वगैरह यहाँ पर है ये पी क्यू आर एस हो गया आपका दो क्वेश्चन हो गए पी क्यू आर एस से फिल द ब्लैंक हो गए आपके और पार्ट ऑफ सेंटेंस इंप्रूव करना है इसको तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब हर तरीके के से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं यहाँ पर आपके एंटोनीय शिनोनियम से क्वेश्चन हो गए ओके तो ये तो ज़्यादा टफ वर्ड मतलब ईजी है क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा टफ नहीं है ईजी क्वेश्चन है अगर आप एक बार इंग्लिश अच्छे से पढ़ लोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं ठीक है एरर वगैरह तो है ही स्पेलिंग मिस्टेक से आपके क्वेश्चन है यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन आ चुके हैं और एरर से भी काफ़ी क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक और फिर से एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन यहाँ पर ओके और एरर फिल द ब्लैंक तो ये चीज़ें हैं वन वर्ड सबूशन यहाँ पर आ गया तो ये चीज़ भी आपको पढ़नी पड़ेगी ठीक है आगे देखते हैं तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए हैं बस यही है ठीक है देखो तीन चार क्वेश्चन आपके स्पेलिंग मिस्टेक से आ गए एक क्वेश्चन आपका वन वर्ड सप्टीट्यूशन से एक ही आ गया दो क्वेश्चन हो गए सप्टीट्यूट करने वाले फिरिंदा ब्लैंक के कम से कम पाँच छः क्वेश्चन हो गए एरर के पाँच छः क्वेश्चन हो गए एंटोनियम सिनोनिम के पाँच छः क्वेश्चन हो गए आपके ठीक है तो ये देख सकते हैं आप सॉल्व भी कर सकते हैं चेक कर सकते हैं तो यहाँ तक थे आपके चालीस क्वेश्चन ऊपर मैथ है मैंने दिखा दिया आपको कल तो ये थे आपके हिंदी प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन तो इसी तरीके से मैं आपको ये इसमें दस शिफ्ट के क्वेश्चन हैं एक शिफ्ट के मैंने आपको दिखा दिए हैं अगली वीडियो में और इसी तरह से मैं आपको सारे क्वेश्चन uh, कराऊंगा ताकि आपको लक्ष uh, पता लगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और क्लास भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ ठीक है होली के बाद देखते हैं चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो